मैडम कभी जब जाना कभी सोती पावे, कभी नहाती पावे, कभी खाती पावे, मिले कबासू आपकी बार इसको तो नहीं देंगे हम, क्या किसी के लिए दें? सरपंच और उसका जायदा पता नहीं, उसका पैसा खा गया, इसका पैसा जायदा, कोई कांग्रेस का आता तो उसको वोट देंगे, पर मर जाता है तो चप्पल निकाल के जाना पड़ता है। ये निर्विरोध यहाँ से छोरी सदस्य बनाई जाएगी, मंत्री बनी है, प्रधान बन गई, कोई आदमी गुजर जाए तो मैयत डेढ़ घंटा में कब्रिस्तान पहुंचे, निकल को मैयत रास्ता ना है, कैसे सीधे में बात ना करे, कैसू ना कैसे मिलना चाहे, घमंडर तकबर में रहे, ये हालत है। अच्छा, ये बताया जाता है कि वो परिवार जो है वो आमजन से मिलता है, समस्याओं को सुनता है, तैयब परिवार के बारे में जानकारी, केवल झूठ, केवल झूठ, टोटल झूठ, किसी से नहीं मिलती है। जब जाते हैं पूरा गांव देख रहे हैं, आपकी बार रहा है, ज्यादातर युवा को जो पसंद है वो सीएम मुख्तार अहमद है भाई, सीएम मुख्तार वोट बना है जी। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी पर ये खबर देख रहे हैं और गांव लेवड़ा की है, और मैं आपको बता दूं ये कामा विधानसभा में आता है, और कामा विधानसभा से जो भी मंत्री साहिबा हैं उनका एक प्यारा गांव है लेवड़ा। लेकिन उस प्यारे गांव की जो तस्वीर है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं, पहले देख लीजिए आप तस्वीर यहाँ की। ये है कि यहाँ का हर एक रास्ता जो है लगभग उसमें कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़। वैसे रास्ता ये बना है, पक्का बना है, 20 साल तक नहीं टूटेगा, ऐसा सॉलिड रास्ता यहाँ बनाया गया है, जो है कि वो बनाया गया। लेकिन इसमें एक तो जो चंबल की लाइन थी उसकी वजह से, जल निकासी अच्छी नहीं होने की वजह से ये रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया है, और अक्सर कर जो यहाँ के रास्ते हैं सभी के ऐसे ही रास्ते पूरे गाँव में है। अब लोग जो है वो रास्तों से परेशान है, अब ये परेशान जो रास्ते हैं उनकी वजह से लोगों को अपने घरों में से ही निकल कर दूसरे घर से आना पड़ता है, यानी कि रास्ते से नहीं चलते हैं लोग बाग, एक घर से दूसरे घर घुसते हैं, तब वो थोड़ा मोटा रास्ता जो बना हुआ है थोड़ा बहुत उसी से वो काम चला रहे हैं। यहाँ आपको पैदल निकलने में भी दिक्कत होती है। देखिए नौजवान यहाँ खड़े हुए हैं, सभी से उनसे पहले बात करेंगे, कब से ऐसी हालात गाँव की बनी हुई है? ये तो करीबन 4 साल हो गए, ये तो इसमें तो बार बार उमास पानी भर रहता है, कोई यहाँ पर मर जाता है तो चप्पल निकाल के जाना पड़ता है, बहुत ही हालत खराब है। जो ये है ना, इसका भी पैसा मिल चुका है, सरपंच और उसका जायदा पता नहीं, उसका भी पैसा खा गया, इसका पैसा मिल चुका है। हाँ, अगर वोट की बात करें तो वो किसको करेंगे? वोट तो अच्छा उम्मीदवार आएगा उसको देंगे। अच्छा, अभी तक कोई उम्मीदवार अच्छा नहीं लगा? नहीं, अभी तो कोई अच्छा नहीं लगा, जायदा चला कोई कांग्रेस का आता तो उसको वोट देंगे। क्या लग रहा है कि किसी और को भी जायदा के अलावा टिकट मिल सकता है? कोई आवाजें अभी आपको लग रही हूँ? बीजेपी से कोई मुसलमान अच्छा आ जाता है उसके लिए भी वोट दे देंगे। अच्छा, चलिए बाबा कुछ कह रहे हैं, उनसे बात करें, क्या कह रहे हैं? चाह रहा हूँ भाई साहब, ये निर्विरोध यहाँ से छोरी सदस्य बनाई जाएगी, मंत्री बनी है, प्रधान बन गई, कोई आदमी गुजर जाए तो मैयत डेढ़ घंटा में कब्रिस्तान पहुंचे, निकल को मैयत रास्ता ना है, कैसे सीधे में बात ना करे, कैसू ना कैसे मिलना चाहे, घमंडर तकबर में रहे, ये हालत है। अच्छा, ये बताया जाता है कि वो परिवार जो है वो आमजन से मिलता है, समस्याओं को सुनता है, तैयब परिवार के बारे में जानकारी, केवल झूठ, केवल झूठ, टोटल झूठ, किसी से नहीं मिलती है। जब जाते हैं निर्विरोध बनाया, हाँ फिर भी नहीं मिलती है। एक बार एक नजर दिखाए सकल, ये बताओ फिर, आपने एक दो बार बोला नहीं कि हमारे गाँव में? हम गए एक दो बार भाई, सुनाई ना करें। मैडम कभी जब जाना कभी सोती पावे, कभी नहाती पावे, कभी खाती पावे, मिले कबासू अब की बार किसको वोट जाए? अब की बार इसको तो नहीं देंगे हम, क्या किसी के लिए दें? लेवड़ा के तो ये कहते हैं कि भाई पूरा गांव ही जाए। हाँ, पूरा गांव देख रहा है, अब की बार ना है, अब की बार ना है, जय को देख रहा है, अब की बार ना है। अच्छा, पहले यही मतलब जो है ये गाँव जो है पूरा टोटल वन साइड पोल होकर है, पूरी पंचायत हो गया पहले भाई, अब ना लगती थी, अब नहीं, अब ना लगेगी। अब आप बताइए क्या? कुछ ना बताएं, कुछ ना, रास्ता गिर गिर पड़ रहा है, राज्य पर जिनका मन तम कर रहे, रास्ता न पड़ सको आप, रास्ता काम चल रहा है, इस रास्ते पे काम चल रहा है, ये खड़ी है सामने, वो दिखा वो भी। अच्छा, ये कह रहा हूँ बाबा, हमारा काम ना रास्ता बनाना नहीं है, हमारा काम है आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना। ऊपर पहुंचता है, पहुंच जा रही है आवाज। अच्छा, वो सुन रही है और वो देख रही है आप लोगों को। चलिए और भी लोगों से बात करें, बाबा क्या आप इन गांव के जो रास्ते हैं उनकी हालात कब से खराब है? तो कम से कम यहाँ हो कुछ एक साल खराब, पानी जानना से भरो जानना से बनो, नीचे रह गई। अच्छा,
बनना जो था वो उस तरह से नहीं बना जिस तरह से बना, जिस तरह से बनना ना वैसे नहीं माल बताइए, वोट की बात है तो किस नेता किस पार्टी को? देखो वोट की बात ये कांग्रेस की देंगे कोई बढ़िया जो भी, फिर तो लग रहा है कि कोई और भी आ सकता है। अभी सीएम मुख्तार और जायदा की बातें अभी तक ज्यादातर है, तो क्या लग रहा है कि सीएम मुख्तार को टिकट लगा तो कितनी वोट आपके गांव से उठा पाएंगे? तो यहाँ से तो कम से कम ना तो 80% वोट सीएम मुख्तार को, मतलब पहली बार में इतना वोट यहाँ जा सकता है, वो क्यों जा सकता है? उसकी बस सुन रहे हैं कि मतलब वो बढ़िया, उसका काम काम करवाने के बाद बढ़िया इरादा है, बढ़िया आदमी, बढ़िया इरादा है, बढ़िया। अच्छा देखिए ये लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि देखो जायदा के विपक्ष में अगर कोई भी आता है हम उसको समर्थन करेंगे, क्योंकि हम जो है रास्तों से परेशान, भाई किस पार्टी के नेता को पसंद करेंगे? जी हम कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे। कांग्रेस में आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस में दो ही उम्मीदवार हैं जो टिकट के दावेदार हैं, एक तो सीए मुख्तार अहमद और दूसरा जायदा खान। तो ये उसमें से आपके ज्यादातर युवा को जो पसंद है वो सीए मुख्तार अहमद है। अच्छा, क्योंकि जायदा खान वो थोड़े नाराज चल रहे हैं इस वजह से, कोई काम नहीं करवाता है, इस वजह से पब्लिक नाराज चल रही है उनसे, और उन्होंने गाँव में कुछ भी विकास नहीं कराया ज्यादातर, इस वजह से भी विकास इस वजह से भी नाराज चल रही है। कितना वोट जाएगा लगभग सीएम मुख्तार अहमद? दूसरी बात तो ये हमारे पड़ोस का रहने वाला है, तो उसको लगभग लगभग जितना भी 80-90% उसको ही जाएगा वोट अगर टिकट मिलेगा। पहले यहाँ एक तरफा मोहर, हाँ बिल्कुल 80-90% जो पोल होता था वो सिर्फ कांग्रेस के मत में ही होता था, कांग्रेस को ही वोट जाता था उसका। आप बताइए अगर मुख्तार को टिकट कांग्रेस को मिले तो उसके लिए भी 100% 90% वोट मिलेंगे? चलिए आप बताइए भैया किस पार्टी के नेता? भाई सीएम मुख्तार वोट बना है जी। चलिए और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, तो किस पार्टी किस नेता को पसंद करेंगे? हम कांग्रेस को पसंद करेंगे भाई, इधर से जो भी कांग्रेस प्रत्याशी को पसंद करते हैं हम इधर से। क्या लग रहा है कि अबकी बार जो है कांग्रेस पार्टी बदलाव कर सकती है? वही देखो कांग्रेस पार्टी बदलाव मुश्किल कर पाएगी, कांग्रेस ही पार्टी बनेगी शायद, ऐसी उम्मीद है राजस्थान में कांग्रेस होगी। लेकिन जो टिकट की बात करें कामा से, कामा से देखो मुख्तियार है एक अपने इधर, एक मजीद भी नया युवा चेहरा दिख रहा है अपना जो हेड़ा साइड से, उसका भी अभी समर्थन हुआ है, देखते हैं हो सकता है वो भी आ सकता है, उसकी भी अच्छी हुआ है। अच्छा आप भाई किस पार्टी के? अरे मेरी बात सुन तू, जो हमारा गांव को वो है ना सरपंच, वो रुपया ने लेके अपने घर बैठ जा, और जो पंच है दो चार ये भी एक दिन गाँव है, ठीक है ये कहना हमारा, तो सरपंच ना होना चाहिए हमारे गांव को, तो बाहर को सरपंच रहना चाहिए, जब काम है कोई आ जाए सरपंच। जो अपना रास्ता है गांव वाला रास्ता है, जो सबसे मेन पॉइंट है कि जो भी मैयत आती है सबको प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किल से निकालते हैं मैयत को इधर से, मस्जिद का रास्ता है सामने, मस्जिद है, मस्जिद में आने में इतनी दिक्कत होती है नवाजियों को बहुत ज्यादा। अच्छा मैंने अभी देखा भी कि बाबा अंधे थे वो यहाँ आ रहे थे, तो मैंने उसको पकड़ के थोड़ा आगे तक, यहाँ पर सभी को टिकट मिल जाता है ना बीजेपी का, तो यहाँ पर 50-50 है चुनाव। चलिए देखिए यहाँ जो है वो अभी जो लोग हैं वो इन रास्तों से परेशान हैं, जो अभी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से रास्ता जो है वो खत्म हो चुका है, मस्जिद हो मैयत हो किसी की अंतिम यात्रा हो, उस यात्रा में जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते बड़ी दिक्कत परेशानी करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ जो है इस रास्तों से जब जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। लगातार आप हमारे साथ देखते रहे, डीटीवी कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना अजय कुली लेवड़ा से, धन्यवाद।